सैफई में होली, अखिलेश बोले बुरा ना मानो होली है, योगी जी की ये आखिरी होली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि बुरा ना मानो होली है, यह योगी जी की मुख्यमंत्री रहते हुए आखिरी होली है। अगले साल प्रदेश की जनता को नई सरकार के साथ होली मनाने का मौका मिलेगा। अपने गांव सैफई में होली के अवसर पर मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए यादव ने कहा कि योगी सरकार सपा के कामों को अपना बताने में जुटी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा बुरा ना मानो होली है, लेकिन फिर भी ये बात कहनी चाहिए कि जितना भेदभाव भाजपा सरकार में हो रहा है उतना कभी किसी की सरकार में नहीं हुआ। इसके कई उदाहरण हैं, हर काम में भेदभाव हुआ। लाइन सफारी शुरू होनी चाहिए थी, लाइन सफारी इसलिए शुरू नहीं हुई क्योंकि इससे देश ही नहीं दुनिया का आकर्षण इटावा की तरफ बढ़ेगा, टूरिस्ट बढ़ेगा, इससे किसी न किसी को रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकार जानबूझकर इटावा व समाजवादी कार्यक्रमों में भेदभाव कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने सपा सरकार की योजनाओं में लेट लतीफी की है, पहले तो हमारी योजनाओं को अपना बताकर उनका उद्घाटन किया गया, अब तो पार्टियां भी बदला जा रहा है। आने वाले समय में प्रदेश को नई सरकार के साथ होली मनाने का मौका मिलेगा, जनता तैयार है, पंचायत चुनाव में भाजपा को जनता सबक सिखाएगी। जनता को यह आशंका है कि कहीं सरकार में भाजपा बेईमानी पर ना उतर आए। उन्होंने कहा कि सरकार धान मक्का की खरीद तक नहीं कर पाई, आलू के रखने की व्यवस्था नहीं है। राज्यों को बहुत बहुत बधाई और होली के त्योहार की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये रंगों का त्योहार, जहाँ रंग एक दूसरे पे डाल करके हम खेलते हैं, वहीं होली के त्योहार पर गले मिलकर के एक दूसरे को गुजिया और मिठाई खिला करके जो पुरानी तमाम चीजें उनको भूल करके होली के त्योहार में गले लगाते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है, जिस तरह अलग अलग रंग से हम होली मिलकर के खेलते हैं, उसी तरीके से हमारे समाज में अगर अलग अलग जाति धर्म के लोग मिलकर के एक साथ रहते हैं, सदियों से यह त्यौहार इसी तरह खुशी और उत्साह के साथ मनाया गया है, और हमें पूरा भरोसा है कि भारत की संस्कृति यही है कि सभी रंगों में हम मिल जाएं, और दुनिया में शायद ऐसा रंगों का त्यौहार कहीं नहीं होगा जितना भारत के अंदर इस त्यौहार को मनाया जाता है, जहां हम समाज की तमाम दूरियों को दूर कर करके इस त्यौहार में हम एक दूसरे के साथ खुशी बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, एक दूसरे परिवारों से मिलते हैं। यही हमारी संस्कृति की सबसे मजबूत परंपरा है, ये हमारे समाज की खूबसूरती है, यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, यही हमारे समाज को जोड़ने वाले त्यौहार हैं। आज के दिन जब रंगों का खेल और रंगों का त्यौहार हम एक दूसरे के साथ मना रहे हैं, वहीं हमें ये भी संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे हमारी परंपराओं का, हमारी संस्कृति पर, हमारे गंगा जमुनी मिली तहजीब पर जो प्रश्न लगा रहे हैं, उनके दूरियां बना करके हम रहे हैं। हमें उम्मीद है ये त्यौहार जिस तरह खुशी लेकर के आया है, हमारे समाज में इसी तरह खुशी बनी रहेगी। देखिए, ये आज का त्यौहार ऐसा है कि बुरा ना माने होली है, लेकिन फिर भी ये बात कहनी चाहिए कि जितना भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इतना भेदभाव कभी समाज में नहीं हुआ, इतनी नफरत की राजनीति कभी नहीं हुई, और ये तमाम उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं है, तमाम उदाहरण ऐसे हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि सरकार भेदभाव से काम कर रही है। शेर पले बड़े यहां पर, उनको ट्रेन किया यहां पर, लाइन सफारी शुरू होनी चाहिए थी। लाइन सफारी इसलिए नहीं शुरू हो रही क्योंकि ये न केवल प्रदेश का, देश का, बल्कि दुनिया का अट्रैक्शन बनेगा, लोग यहाँ आएंगे, नौकरी रोजगार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, टूरिस्ट आएंगे, पैसा खर्च करेगा, कोई ना कोई पैसा कमाएगा, इसलिए जानबूझ करके सरकार भेदभाव कर रही है इटावा से और समाजवादी कार्यक्रमों से। जितनी भी समाजवादी पार्टी की योजनाएं थी वो लेट की गई, लेट कर करके अपना ठप्पा लगाने की कोशिश की, नाम बदलने की कोशिश की, और अब तो पटिया बदलने, जब 4 साल गुजर गए तो पटिया बदलने के स्तर पे आ गए हैं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में होली का त्यौहार, जो इस साल का, इस सरकार का आखिरी त्यौहार होगा, आने वाले समय में प्रदेश को नई सरकार में नई होली मनाने का मौका मिलेगा।
अब वो होली कहीं और मना रहे होंगे और ये तो शुरुआत है होली के बाद, कहीं और मन रही होगी होली। जनता तैयार है और पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए, वहीं जनता को ये भी अविश्वास है कि कहीं सरकार में भारतीय जनता पार्टी बेईमानी पर न उतर आए, क्योंकि तीन किसानों के लिए जो कानून बने उससे खेती बर्बाद हो गई। हम जानना चाहते हैं, बताओ, धान की कीमत नहीं मिली, मक्का की कीमत नहीं मिली, चने का खरीद नहीं पाए, आलू के लिए व्यवस्था नहीं है, मटर आकर के बाजार से चली गई, कोई व्यवस्था नहीं, ऊपर से डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, कोई कल्पना कर सकता है इतनी महंगाई हो जाएगी, कोई नौकरी रोजगार नहीं, लोगों के हाथ में काम नहीं, इस वैश्विक महामारी का डरा करके लोगों का वेतन छीन लिया, लोगों का काम छीन गया, लोग परेशान हैं। इस परेशानी से निकालने की बजाय जनता को और परेशान कर रही है सरकार। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नील कमल की रिपोर्ट।